Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. Hello students, welcome to Shukla Institute. Student, I am a class 11th ka NCERT exemplar chapter number 7 permutation and combination. इस चैप्टर पर क्वेश्चन नंबर जो 7.3 एक्सरसाइज है उसके 16 से 20 तक डिस्कस कर रहा हूँ. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा. आप जो आपके कोर्स में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से कर पाएंगे. आप ओलंपियाड दे रहे हैं उसमें इजीली कर सकते हैं, और आप आईटीजेई में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको आसानी होगी. आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं, आपको इजी लगेगा. स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3, 5, 7, 8 एंड 9 वेयर नो डिजिट्स आर रिपीटेड. यानी ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट, कौन कौन से डिजिट्स हैं, एक 3 है, 5 है, 7 है, 8 है एंड 9, इनका यूज़ करके ग्रेटर देन 7000 यानी ये जो 7000 है इससे बड़े नंबर्स बनाने हैं. अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट दो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, आइदर वी कैन कंस्ट्रक्ट 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर. इसने बोला नो डिजिट रिपीटेड, यानी कोई डिजिट दोबारा नहीं लिख सकते. अब दोबारा नहीं लिख सकते तो कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट से ज़्यादा लिख नहीं सकते. 7000 क्या है, इसमें 4 डिजिट हैं तो इसे ग्रेटर, यानी 7000 में 4 डिजिट है तो 4 डिजिट और 5 डिजिट्स. ठीक है, तो 4 डिजिट में जो है अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या होगा, 4 डिजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 7000. ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो 7000 से ग्रेटर है. तो हम देखते हैं यूनिट 10, 100 और 1000. अब देखते हैं हमें स्टूडेंट, अगर हमें 7000 से ग्रेटर चाहिए, ठीक है, 7000 से ग्रेटर चाहिए तो इसका मतलब ये यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000, 1000 प्लेस पे 7 या मोर देन 7 होना चाहिए. तो हमारे पास 7 या मोर देन 7, 1, 2, 3 डिजिट्स की च्वाइस है, यानी यहाँ पर च्वाइस 3 डिजिट की हो गई. अब यहाँ पे 3 हो गई, बाकी 110 यूनिट पर आप कोई भी लिख सकते हो. अब इन 3 में से कोई एक डिजिट यूज़ करेंगे स्टूडेंट, टोटल कितने, 5, और 5 में से एक निकल गया, यहाँ पे 4 च्वाइस हो गया, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो हम लिखेंगे च्वाइस एट 1000 प्लेस कितना हो गया स्टूडेंट, 4 हमारे पास आ गया, 3 वेज, 3 तरीके से हो गए. आइदर 7 यूज़ कर सकते हैं हम, 8 कर सकते हैं या 9, कोई एक तो यूज़ करेंगे. ठीक है, जब कोई एक डिजिट यूज़ कर लेंगे तो वो डिजिट निकल गया. सपोज़ इसमें से आपने 8 यूज़ किया है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, अगले स्टेप पे 100 प्लेस पे कितने च्वाइस हो जाएंगी 4 डिजिट की, तो हम लिखेंगे च्वाइस एट 100 प्लेस, 100 प्लेस पे च्वाइस कितनी हो जाएगी, 4 वेज हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं. मानो आपने वहाँ पे 5 यूज़ कर लिया था, अब बचे कौन से डिजिट, 1, 2, 3, तो हम च्वाइस एट 10 प्लेस, 10 प्लेस पे कितने च्वाइस हो गई, 3 वेज की हो गई स्टूडेंट. अब मानो आपने वहाँ पे 9 यूज़ कर लिया था, अब हमारे पास च्वाइस एट यूनिट प्लेस, यूनिट पे कितने बच गए, अब देखते हैं, 1, ये 2, 2 डिजिट बचा, तो 2 वे हो गए. ठीक है, हमें रिपीट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखा था. अब पॉसिबल वेज क्या होगा इसका, पॉसिबल वेज हमारे पास 3 × 4 × 3 × 2 ये बन गया 72 वेज. यानी अगर 4 डिजिट नंबर लेते हैं जो कि 7000 से ग्रेटर है तो हमारे पास 72 नंबर्स बनेंगे स्टूडेंट. इसमें ये क्लियर हो गया होगा. अब स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड केस क्या होगा हमारे पास इसमें,
फाइव डिजिट नंबर। जब फाइव डिजिट नंबर लेंगे स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा हमारे पास, उसके अंदर जो है फाइव डिजिट नंबर में हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000 and 10,000 ये हो गया। तो अब तो देखते हैं हमारे पास अब जो है फाइव डिजिट हैं तो यहाँ पे चॉइस 1000 प्लेस पे कितना होगा 5, फिर इधर 4, इधर 2, इधर फिर 1, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 5 फैक्टोरियल से, यानी 5 डिजिट हैं और 5 प्लेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, रेपिटेशन नहीं है तो आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देखते हैं पॉसिबल वेज क्या हो गया स्टूडेंट, चॉइस एट हम लिखेंगे चॉइस एट 1000 प्लेस 10,000 प्लेस कितना हो गया 5 वेज, और चॉइस एट 1000 प्लेस में कितना हो गया 4 वेज, चॉइस एट 100 हमारे पास आ गया 3 वेज, चॉइस एट 10 प्लेस 100 के बाद 10 प्लेस ये आ गया 2 वेज, और चॉइस एट यूनिट प्लेस कितना आ गया 1 वे, और पॉसिबल वेज क्या हो गया स्टूडेंट हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 120 वेज। अब आप देखते हैं स्टूडेंट इसमें हम इसको क्योंकि रेपिटेशन नहीं है हम इसे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे तो भी हो जाता। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितना हो जाएगा हमारे पास, आइदर दिस और दिस, फर्स्ट केस हुआ 72, सेकंड हुआ 120, ये 2, 7 to 9, 192 वेज, यानी 192 डिजिट्स हम बना सकते हैं स्टूडेंट। तो देखें इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास 5 डिजिट्स दे रखे हैं डिफरेंट, 7000 से बड़े नंबर बनाने हैं तो 7000 में 4 डिजिट है, 4 डिजिट भी बना सकते हैं और 5 डिजिट नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं ये कंडीशन है। तो हम देखते हैं पहले 4 डिजिट बनाएं, 4 डिजिट में जब हम 7000 से ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे 7 से कम नहीं रख सकते क्योंकि छोटा हो जाएगा, तो 7 रख सकते हैं या 8 या 9, तो 3 चॉइस हो गई, और 100 प्लेस में 5 में से एक निकल गया तो 4 बचा, फिर नेक्स्ट 3 और 2, ये 5, 3, 4, 3, 2 मल्टीप्लाई कर दो 72 वेज हो गए। जब 5 डिजिट निकालते हैं तो 5 डिफरेंट नंबर हैं, कोई रेपिटेशन नहीं है स्टूडेंट, 5 फैक्टोरियल हो सकता है यानी 5, 4, 3, 2, 1 यानी इस पे 5 चॉइस, इस पे नेक्स्ट में कम हो गई 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और इस तरह से 120 वेज और 192 वेज हो गए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ 20 लाइंस आर ड्रॉन इन अ प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल नो 3 आर कॉन्करेंट इन हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे कह रहा है एक लाइन ऐसे है, ये लाइन ये आ रही है, ये लाइन ये आ रही है, ऐसे 20 लाइन है, दूसरी लाइन हमारे पास इस तरह से जा रही है, तो आप देखें कोई भी लाइन, कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन लाइन कंकरेंट नहीं है, कंकरेंट का मतलब तीनों एक पॉइंट से होती जाए ऐसा नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपस में कट कर रही होगी, और एक पॉइंट कट करने के लिए कितनी लाइनें चाहिए, देखो एक दो लाइन हो तो एक पॉइंट पे कट करेगी, तीसरी आ रही है तो उसे भी एक पॉइंट पे कट करेगी, या ऐसे एक जा रही इसे कट करेगी या ऐसे कट, ये दोनों मिलके ये कट कर रही है, दोनों मिलकर कट, तो कितने इंटरसेक्ट पॉइंट्स बनेंगे ये बताना है। तो आपको पता है एक इंटरसेक्ट पॉइंट होने के लिए दो लाइनें चाहिए, तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हो गया स्टूडेंट देखें इसमें पॉसिबल वेज ट्वेंटी लाइंस हैं 20C2 ठीक है, सीधा फार्मूला हो गया इसके लिए, और 20C2 को सॉल्व करें 20 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल 20 में से 2 गए कितना आ जाएगा 18 फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा 20 19 18 पे छोड़ दें यहाँ पर नीचे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 18 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गए ये 10 और 190 पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी इतने पॉइंट पर वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखें बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको अच्छा लग रहा होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप उसको देखने की जगह पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चन को करें और उसके बाद आप चेक करें मिलाएं इसके
आंसर से और तरीके से कि आपको कहीं दिक्कत हुई या नहीं। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। इन अ सर्टेन सिटी ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट्स, द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑलवेज बीइंग 41, 42, 46, 62 एंड 64 है स्टूडेंट। अब देखें हमारे पास इसमें जो हमारे पास है 41, 42, 46, 62 और 64, यह 41 है या फिर 42 है और 46 है और 64 है, ये टेलीफोन एक्सचेंज है। अब देखो चार छः डिजिट नंबर का हमें बनाना है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स हैव ऑल 6 डिजिट डिस्टिंक्ट, सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। और ये हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज नंबर कहलाते हैं, 6 डिजिट का नंबर है तो पहले दो नंबर जो हैं वो टेलीफोन एक्सचेंज है। तो हम देखते हैं एक एक्सचेंज पर कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो ऐसे कितने एक्सचेंज है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि द फर्स्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई इन दिस वे, द फर्स्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय ईदर 41 और 42 और 46 और 62 और 64, यानी 5 वेज से हो गया, इन 5 वेज, चार 5 तरीकों से हम पहले दो नंबर भर सकते हैं। तो बाकी एंड रिमेनिंग रिमेनिंग 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय, बाकी जो 4 प्लेसेस हैं हमारे पास, जैसे हमने मानो 41 हमने कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ फिक्स है, इसमें एक्सचेंज का नंबर है 41। अब बाकी जो 4 प्लेसेस हैं हमारे पास, देखते हैं हमारे पास टोटल ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस हैं स्टूडेंट, और हमने इसमें 41 एक्सचेंज नंबर दे दिया है तो फिक्स है। अब बाकी प्लेसेस फिल करना है, हमारे पास डिजिट कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं, 10 में से एक 4 चला गया और एक 1 चला गया, अब बाकी कितने बच गए यहाँ पर स्टूडेंट 8 डिजिट, यानी इस प्लेस पर जो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 8 वेज, नेक्स्ट में 7, फिर 6, फिर 5, एक एक कम होते जाएंगे, ठीक है, जो डिजिट यूज़ करते गए। अब मैंने दो तो ऑलरेडी 41 यूज़ किया है, उनको हटा दिया, 8 बच गए। अब 8 में से कोई एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मानो सपोज 41 था, अब हमने नेक्स्ट यूज़ किया 7, यहाँ 7 डाल दिया, अब कितने बच गए डिजिट 10 में से 3 निकल गए 7, अब हमने लास्ट में यहाँ 0 कर लिया, ये भी यूज़ हो गया। अब इस प्लेस पे कितने हो जाएंगे डिजिट, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं आ गए। अब हम कौन सा लेते हैं यहाँ 9 यूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट के लिए कितना बच जाएगा 9 कट गया 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 आ गए, 5 में हम क्या यूज़ कर लें यहाँ पे 2, तो टेलीफोन नंबर ये बन गया 41, 7, 0, 9, 2, ये टेलीफोन 6 डिजिट का हो गया, ये एक्सचेंज नंबर है, ये फिक्स है, इनमें च्वाइस है। तो इसका मतलब ये कितने तरीके से फिल हो सकता था, हम लिखेंगे यहाँ पे पॉसिबल वेज क्या होगा हमारे पास, इनमें फर्स्ट प्लेस पे क्या च्वाइस है 1, सेकंड पे 1, फिर 8, भाई ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है 4, नेक्स्ट पर 1 है, 1 आ गया, ये तो फिक्स है च्वाइस, बाकी पे 8, 7, 6, 5, तो ये जो 6 प्लेसेस हैं इस तरह से भरे गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3, 1680 वेज। अब देखते हैं हमारे पास जैसे ये एक्सचेंज एक था, एक के लिए 1680 वेज आ गया, यानी जब 41 एक्सचेंज लिया, ऐसे 42 के लिए भी 1680 वेज आएगा, 46 के लिए भी 1680 वेज आएगा, 62 के लिए भी और 64 के लिए भी, ठीक है, सब के लिए 1680 आएगा। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल वेज कितना हो गया, पॉसिबल वेज फॉर 5 एक्सचेंज के लिए कितना हो गया हमारे पास 5 into 1680
इनको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, एट थाउजेंड फोर हंड्रेड वेज हमारे पास बन गया, यानी एक एक्सचेंज के लिए हमारे पास इतने नंबर बन रहे थे, तो बाकी सबको मिलाकर फाइव थे, फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल टेलीफोन हम अलॉट कर सकते हैं 8400 स्टूडेंट। तो देखें कितना इजी हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके करें और उसके बाद फिर मिलाएं और देखें क्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखें कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर फोर क्वेश्चन आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन, वन एंड टू आर हाउएवर कंपल्सरी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास फाइव क्वेश्चन हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव क्वेश्चन हैं। अब टीचर ने कहा है सोल्यूशन में कि क्वेश्चन फर्स्ट टू कंपल्सरी है, ये तो करना ही है, और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं बेटा, फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और दो तो करने ही करने हैं। अब चार क्वेश्चन में जो अटैम्प्ट करने हैं, दो तो करने हैं, तो बचे कितने, दो, दो के लिए ये चॉइस बची कि तीन में से दो कोई कर ले, तो कितना इजी हो गया, 3C2, यानी थ्री वेज हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, पॉसिबल वेज 3C2 और ये थ्री वेज आ गए हमारे पास। अब इसको हम देखो कैसे कह सकते हैं, इस बात को आप समझें कि जैसे हमारे पास बच्चे ने क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू तो कर लिया तो कंपलसरी था, अब क्वेश्चन थ्री कर ले, क्वेश्चन फोर कर ले, हो गए चार क्वेश्चन, या ऐसे कर दे क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू कर लिया, क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फाइव कर ले, या ऐसे कर ले वन और टू कंपलसरी है तो क्वेश्चन फोर कर ले क्वेश्चन फाइव कर ले, बताओ इसके सिवा कोई और तरीका बनता है स्टूडेंट, नहीं, थ्री वेज वही तीन ही आ गए। तो प्रैक्टिकली मैंने करके बताया, जिसे कहते हैं मैनुअल, और ये आपका फार्मूलेस हो गया कि तीन क्वेश्चन बचे थे, दो ऑलरेडी हमने करना ही है, तो तीन में से कोई दो हम सेलेक्ट कर लेंगे, 3C2 को सॉल्व करेंगे, थ्री आ जाएगा हमारे पास, तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट। और इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 3 factorial, नीचे 2 factorial, नीचे 3 - 2 factorial, और ये सॉल्व करेंगे 3 factorial को, 3 into 2 factorial यहाँ छोड़ दें, नीचे 2 factorial, और 3 में से 2 गया 1 factorial, 2 factorial कट गया, 3/1 यानी 3 ways ये हमारे पास आ गया। तो प्रैक्टिकली हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20th देखें स्टूडेंट, देखें बहुत ये क्वेश्चन नंबर 20 ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर एक छोटा सा फार्मूला आपको आता है यू कैन डू, अदरवाइज कांट डू। ये क्या कह रहा है, इफ़ अ कन्वेक्स पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। एक कन्वेक्स पॉलीगन है, उसके डायगोनल्स कितने हैं, 44, तो हमें क्या निकालना है, उसकी साइड्स कितनी होगी पॉलीगन की साइड्स। तो आप देखें स्टूडेंट, इसके लिए फार्मूला होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन वो कितना है, 44। अब जो पॉलीगन के लिए फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट NC2 - N = 44, वेयर N इज नंबर ऑफ साइड्स, N साइड्स को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन, ये जो पॉलीगन है इसकी साइड्स को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट N। तो ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखना स्टूडेंट, हम देखते हैं डायगोनल के लिए हमें दो पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए N उसके साइड्स हो गए, और जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन करो डायगोनल बनता है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, N फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे 2 factorial और N - 2 factorial, -N = 44। इसको आगे ले आएंगे N - 1, N - 2 factorial, हमने रिड्यूस कर दिया N को, देखो N, फिर N - 1, N - 2, नीचे 2 into 1
और n माइनस टू फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस n इक्वल टू 44। तो ये स्टूडेंट बन गया एन स्क्वेयर माइनस n, ये तो कैंसिल हो गया, और नीचे क्या है 2 माइनस n इक्वल टू 44। अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, एन स्क्वेयर माइनस n माइनस 2n इक्वल टू 44 इंटू 2, नीचे 2 आ गया, देखो आपने जैसे यहाँ पे 2 लिखा, ये 44 है स्टूडेंट, ठीक है। आपने देखा हमने ये फैक्टोरियल खोला, एन फैक्टोरियल 2, एन माइनस 2, एन 44 है, एन को रिड्यूस कर दिया एन माइनस 1, एन माइनस 2 ताकि कैंसिल हो जाए नीचे, और 2 को 2 इंटू 1 कर दिया। अब कैंसिल होने के बाद ये बच गया, एलसीएम 2 हो गया, इनसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे, अब क्रॉस कर दें स्टूडेंट तो बन जाएगा एन स्क्वेयर 2n और n 3n और आ जाएगा 44 इंटू 2। अब आगे देखते हैं हम स्टूडेंट, बन गया एन स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0, इसको इधर लाए। अब देखते हैं फैक्टर क्या बन जाएगा इसका, एन स्क्वेयर 11n प्लस 8n माइनस 88। 11 माइनस 8 कितना होता है, 11 माइनस 8 3 होता है 3n, और 11 8 जा 88, तो कॉमन लेंगे स्टूडेंट n माइनस 11, इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ 8 कॉमन आ गया, n माइनस 11, n माइनस 11 सेकेंड ब्रैकेट में n प्लस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 11, n इक्वल टू माइनस 8, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा नेगेटिव स्टूडेंट, देयरफोर n इक्वल टू 11, यानी 11 उसकी साइड्स हैं। उसने बोला था क्या, इसकी साइड बताओ जिसके 44 डायगनल्स होंगे उसमें कितनी साइड होंगी, यानी 11 साइड होंगी तब 44 डायगनल्स बनते हैं। स्टूडेंट मैं एक बात और बताता हूँ इसको, इस बात को मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, जैसे सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो पॉलीगन। अब इसमें डायगनल जैसे ए बी सी डी है, तो डायगनल क्या होंगे इसके अंदर, इसके अंदर डायगनल तो दो ही बनते हैं, इन पॉइंट्स को देखो ज्वाइन कर दिया आपने, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी बी सी सी डी साइड्स हो गई, साइड्स कितनी हो गई इसकी 4, और डायगनल कितने हो गए 2। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, n साइड्स है, साइड्स 4 हैं तो हम लिखेंगे 4c2 माइनस, क्योंकि डायगनल के लिए दो पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ता है, इसलिए 2 यहाँ तो कंपल्सरी है, और n साइड है, और यहाँ पे क्या है n यानी 4 इक्वल टू, सॉल्व करो देखो डायगनल, यहाँ पे डायगनल है, ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगनल्स हैं हमारे पास, इसको हम डायगनल कहेंगे, डायगनल्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डायगनल आ जाएंगे। इसको सॉल्व करें 4c2 को तो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 4, ये कैंसिल कर दें तो 6 माइनस 4 2, देखो 2 डायगनल्स नहीं आ रहे। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला होता है nc2 माइनस n। अगर आपको डायगनल दिए हैं तो साइड्स निकाल सकते हो पॉलीगन के, और साइड्स दिए हैं तो डायगनल, जैसे कि इसमें डायगनल दिया था डायगनल डाल दिया साइड आ गई, और सपोज हमें साइड दिया होता डायगनल पूछता तो यहाँ पे वो डाल देते, मानो 5 साइड बोलता, 11 साइड्स एक पॉलीगन है जिसकी साइड्स कितनी 11, उसके डायगनल बताओ, तो आप लिखते 11c2 माइनस 11, ऐसे आ जाता 11c2 माइनस 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हम, देखो 11 इंटू 10 अपॉन 2 माइनस 11, ये कट गया 55 माइनस 11, और ये 44 डायगनल्स आ गए ना स्टूडेंट हमारे पास, देखो। तो आप इस तरह से, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट कैसे करते हैं, आपको देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके स्टूडेंट। जो स्टूडेंट चाहते हैं आपको सीबीएसई की तैयारी करना हो, मैंने एनसीईआरटी के वीडियोस दे रखे हैं परमुटेशन कम्बिनेशन क्लास 11 के चैप्टर 7 का, वो आप वीडियो पढ़कर बेटे समझ सकते हैं। जो बच्चा चाहते हैं कि हमें और अच्छा करना है ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, सीडीएस की करनी है, और मुझे जो है ओलंपियाड की तैयारी करनी है, मुझे जेई की तैयारी करनी है, उसे एग्जाम्पलर बहुत ज़रूरी है। अगर वो कर लेंगे तो सारी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी उस चैप्टर की, और मैं इसके बाद और भी वीडियो दूंगा जो आपको और हायर लेवल होगा। तो आप इसको देखते जाएं स्टूडेंट, करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को आप इसको फॉरवर्ड करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।